हाय गाइस, वेलकम टू टेक मास्टर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस को डिलीट कर देते हैं उसको रिकवरी कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आप बहुत बार अपने इमेजेस, फाइल्स, वीडियोस को सोचते हैं कि अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और फिर बाद में आप इसको डिलीट कर देते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गाइस, आपके लिए मैं एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिससे कि आप अपने डिलीटेड फाइल, वीडियोस, इमेजेस को भी रिकवरी कर सकते हो। तो वो गाइस, वो ऐप का नाम है डम्पस्टर। वो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर देना है। गाइस, आपको वो अपने प्ले स्टोर पर सर्च कर देना है डम्पस्टर। वो ऐप सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं वो है ये एप्लीकेशन, और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है फ्रेंड। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। तो ये ऐप को मैं अभी आपको ओपन करके बताता हूँ। गाइस, ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो जो फाइल्स मैंने डिलीट की थी और वो सारी रिस्टोर हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस भी है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑल इमेजेस, वीडियो, ऐप्स, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, तो आप जो भी चीज़ को आप डिलीट करेंगे तो यहाँ से आप जाके रिकवरी कर सकते हैं। और मैं अभी आपको बताता हूँ आप उसको रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहा है रिस्टोर डिलीट शेयर का, तो आपको रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ आ रहा है रिस्टोरेड वन आइटम। तो गाइस, ये आपके फाइल्स, वीडियोस, जो भी आपने डिलीट किया होगा ये रिस्टोर कर देगा। और मैं आपको इसके बाकी सारे फीचर्स बताता हूँ। सेटिंग्स में आपको चले जाना है, और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो क्लीन का, लॉक स्क्रीन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको क्लाउड स्टोरेज और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन चाहिए तो इसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन खरीदना होगा। अगर गाइज आपको प्रीमियम वर्जन इसका चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको बताऊँ ये ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका प्रीमियम वर्जन को। तो गाइज, और इसके अंदर आपको क्लाउड स्टोरेज का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपको ऑटो क्लीन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वन मंथ थ्री मंथ्स। तो अगर आप यहाँ पे वन वीक का सिलेक्ट करेंगे तो वन वीक के बाद जितने भी इमेजेस, कोई भी चीज़ हो गए होगा वन वीक, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा। और फिर बाद में आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थीम्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसके थीम्स बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी मैरी क्रिसमस वाला थीम्स चुना है, तो मैं अभी ये स्नोई क्रिसमस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा थीम चेंज हो गया है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप अपनी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, कुछ भी आप अगर आप डिलीट कर सकते कर देंगे तो ये रिकवरी कर सकता है। तो ये था मेरा आज का गाइस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।